मेरी वीडियो देखने वाले सारे किसान भाइयों को नमस्कार प्रणाम। सभी को कृषि भगत चैनल की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप बहुत खुश होंगे। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं किसान भाइयों, मैं आपके फायदे की बात करता हूं। जो हमारा ये चैनल है, आप आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर काम कर रहा है किसान भाइयों। आपको जो मैं जैविक तरीका बताता हूँ फसलों के अंदर यूज करने का, वही आप यूज करिएगा। बाकी रासायनिक यह बताता हूँ, अगर जैविक आप नहीं कर सकते तो रासायनिक भी कर सकते हैं, परंतु रासायनिक किसान भाइयों महंगा पड़ता है। हमारी कीटों के ऊपर पोर्टल के अंदर वीडियो निरंतर जारी है और हम रोजाना वीडियो आपके पास आती है, आप इसको जरूर देखिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज हमें मिली बग के बारे में बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों। मिली बग कैसे हमारे खेत में पनपता है और कहाँ से आता है और उसके क्या नुकसान होते हैं और उसको रोकने के क्या उपाय है किसान भाई, उसके बारे में आज बात करेंगे हम। तो स्पेशली यह कॉटन के अंदर प्रॉब्लम है, बहुत आती है मिली बग के। वैसे तो सभी फसलों के अंदर यह नुकसान पहुँचाता है, परंतु तो हम स्पेशली तरीके से कॉटन की बात करेंगे किसान भाइयों। तो आपको बता दें, मिली बग जो हमारे खरपतवार होते हैं, पहली बात खरपतवारों से वंचित रखना चाहिए खेत को। खरपतवार होंगे वहीं पे ज़्यादा मिली बग का प्रकोप होगा किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों आपको बता दूं, यह बहुत ही हानिकारक कीट है। इसकी पहचान का तरीका बता दूं क्या है, और यह ऊपर से सफ़ेद होता है, मुलायम सा इसके ऊपर पाउडर होता है। इसको फैलाता कौन है किसान भाइयों, ये बता दूं। इसको फैलाता है वो, इसके ऊपर जो चींटियां होती है जो अपने, वो इसको फैलाती है, क्योंकि ये एक मधुरस छोड़ता है और उसके वजह से वो चींटियां इसको ऊपर की ओर लेके जाती है प्लांट के ऊपर। ये प्लांट को पूरे को ढक लेता है, इससे प्रकाश संश्लेषण की समस्या भी आती है किसान भाइयों, जिससे प्लांट है जो कमज़ोर हो जाता है और उसका जो मार्केट भाव है वो भी कम मिलता है। और जब ये मर जाता है या इसकी मृत्यु हो जाती है, तब ये अपने फंगस के रूप में सामने आता है, मर जाता है, ये काला हो जाता है, जिससे हमारे जो बोल होती है, टिंडा होता है, उसको ज़्यादा नुकसान है पहुँचाता है किसान भाइयों। और ये फंगस बन जाती है, जिससे हमको आगे भी इसी समस्या रहती है। इसके जीवन चक्र के बारे में बात करें, इसके लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें, यह 1 से 1.5 महीने का इसका जीवन चक्र होता है किसान भाइयों। और एक ब्यांत के अंदर यह 300 से 600 अंडे दे देता है, और एक अंडों की इसके अंदर होती है टोकरी होती है, उसके अंदर 500 अंडे आते हैं। ये टोकरी के अंदर अंडे देता है, एक तो मादा मिलकर अंडे देती है, और 500 से 600 अंडे लगभग देते हैं। और इसके अंदर रासायनिक जो कंट्रोल है वो आपको बता दूं, एक नुकसान भाइयों आपको नाइट्रोजन ज़्यादा जहाँ पे यूज करेंगे वहीं पर ही इसका नुकसान होगा किसान भाइयों, ज़्यादा इसका प्रकोप होगा। और इसका रासायनिक जो बता दूँ आपको, इसका ब्यूप्रेजोन 200 ml प्रति एकड़, थाइमेथोक्सिजाम 25% डाइमेथोएट और प्रोफेनोफोस इसका हम यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दूँ, जैविक तरीका कल्चर्ड मेथड आपको इसके अंदर बता दूँ इसका क्या करना होगा हमको। पहली बात तो खरपतवारों को खेत से मुक्त रखेंगे, और दूसरी बात जो हम खेत में जो भी यंत्र काम में लेते हैं, अगर उस पर कोई सफेद रंग की चीज़ आपको लगी दिखती है तो उसको आप पानी से धोकर उसको आप दूर हटाएंगे। और दूसरा तीसरा जैविक तरीका वो बता दूँ, हम ट्रेप के जरिए भी इनको पकड़ सकते हैं, पौधे की जो तना होता है उस पर ट्रेप लगाकर भी इसे नुकसान से बचा जा सकता है। और आगे के आप बता दूँ, अगर आप जैविक तरीका और भी अपनाना चाहें तो केरोसिन का तेल होता है, 1 लीटर पानी के अंदर 1-2 बूंद केरोसिन के तेल की डालकर, उससे ज़्यादा अगर आपने 1-2 बूंद से केरोसिन तेल की ज़्यादा डालेंगे तो पौधा को भी नुकसान होता है। 1 से 2 बूंद से ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, इससे भी इसका छुटकारा हो सकता है किसान भाइयों। अगर आने वाली वीडियो है उनमें आपको कॉटन के बारे में, हर कीट की समस्या के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सभी को नमस्कार, आगे सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सभी को नमस्कार किसान भाइयों।